ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन फाइकस, या फिर कह सकते हैं फाइकस रूबी जीनोस। ये स्लांटिंग स्टाइल भी कह सकते हैं, बट उससे भी कुछ अलग है। तो अब आपको लगता है कि मेरा प्लांट का स्टाइल कहीं भी नहीं जा रहा है, तो एकदम से हम उसको कहीं और ले जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ है कि एरियल रूट मैंने पहले ही रहने दिए थे। देखिए ये तीन, वो बहुत ही हेल्दी है और स्ट्रक्चर भी बढ़िया बनने लगा है ऊपर। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको पार्टिंग ऑफ कर सकते हैं। फिर क्या होगा, तो यहाँ एक प्लांट डेवलप होता रहेगा और इस सेक्शन को हम ले सकते हैं किसी रूट रॉक के ऊपर। तो रूट ओवर रॉक भी बन सकता है, कुछ अल्टीमेट स्टाइल भी बन सकता है दोस्तों। ये मैंने इंस्टेंटली अभी अभी सोचने में आया मेरा, तो ऐसा हो सकता है इस प्लांट के साथ। तो हम आज इसको पार्टिंग ऑफ कर दें तो ये यहाँ अच्छे से हेल्दी हो जाएगा कुछ दिनों में। और दूसरा फायदा क्या होगा कि लोअर पार्ट में भी एक प्लांट हमने डेवलप किया हुआ है। अगर हम केवल ये एरियल रूट निकाल देते हैं केवल, तो ये प्लांट में पूरा अनबैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है, तो हो सकता है ये डाइबैक हो जाए, क्योंकि ज़्यादा चीज ज़्यादा न्यूट्रिशन हाइट वाले पार्ट में ही जाता है। तो हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं कि यहाँ से उसको पार्टिंग ऑफ कर दिया और उसको अलग से ट्रेन कर देंगे और उसको अलग से एक छोटा सा बढ़िया सा एक प्लांट स्टाइल करेंगे। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो हमें दो प्लांट मिल जाएगी एक साथ, कुछ से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अब इसमें ग्रोथ रुक गया है क्योंकि ये बाईपास सर्जरी हो गई है। तो उसको रोकने के लिए हमें उसको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा, यानी उसको हमें पार्टिंग ऑफ करना पड़ेगा और उसको अलग से ट्रेन करना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे ही करते हैं। अब विंटर का अफेक्ट होने लगा है दोस्तों, तो अब धीरे धीरे हम सब काम बंद करके कुछ अलग ही काम करना होगा। यानी अब हमें ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं कर सकते, लाइट ट्रिमिंग चल सकता है। पौधों को फर्टिलाइज करना है तो अभी भी कुछ वक्त है, बाद में नहीं कर सकते विंटर में। विंटर में एकदम से नहीं कर सकते ऐसा भी नहीं है। जो प्लांट फ्लावरिंग करते हैं दोस्तों, ऐसे प्लांट में हम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पिंच कर रहा हूँ इस प्लांट को, क्योंकि अब उसको हम अलग से डेवलप करने वाले हैं। तो ऐसे प्लांट जो कि विंटर में फ्लावरिंग देते हैं दोस्तों, बोगनविलिया वगैरह, जो प्लांट डोरमसी में नहीं जाते यानी एवरग्रीन है, तो ठंड के दौरान भी जो प्लांट हरे भरे रह सकते हैं, तो उसको तो फूड चाहिए। तो उसको हम एज अ फूड दे सकते हैं, माइल्ड फर्टिलाइजर कुछ भी दे सकते हैं। नीम केक है, कॉटन केक है, कोई हमारा 1 से 2 ग्राम की मात्रा में, या कुछ भी यानी फर्टिलाइज काउडग वगैरह भी 50 ग्राम की मात्रा में दे सकते हैं। ग्रेन्यूल भी दे सकते हैं, पर वो भी मात्रा कम ही रखनी है। तो ये छोटा सा प्लांट डेवलप हो रहा है, बढ़िया है। उसमें भी क्रेजी मोमेंट आई है, तो उसको मैं आज ज़्यादा सोचता नहीं दोस्तों, उसको मैं सीधे पार्टिंग ऑफ ही करने वाला हूँ आज यहाँ से। और ये प्लांट है तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, उसको न्यूट्रिशन में कोई रुकावट नहीं हो सकती। तो विंटर के दौरान अब क्या कर सकते हैं, जब भी आप कुछ पार्टिंग ऑफ करें तो ऐसा करें कि पूरा ब्रांच ही निकाल देने वाले हो तो ही करें। यानी आपको ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं चाहिए, वैसे अनवांटेड ब्रांच आप पूरी तरह से निकाल सकते हैं कोई भी सीजन हो, पर जिसमें आप चाहते हैं कि आगे डेवलपमेंट हो, ऐसी प्लांट को अब से लेके कुछ दिनों के बाद अब आपको रोक देना है काम, ट्रिमिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो उसको अभी भी कुछ गर्मी है, तो मैं उसको पार्टिंग ऑफ कर रहा हूँ। तो क्या किया मैंने, ये पूरा प्लांट अलग कर लिया है। अब यहाँ भी कुछ रूट है, तो उसके लिए भी हम उसको जुगाड़ कर सकते हैं कि यहाँ उसके लिए कुछ पीस छोड़ दिया, तो उसमें भी कुछ स्प्राउटिंग होगी। और ये जो प्लांट है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्लांट था और है भी, ये जाने वाला है नहीं, तो उसको हम ऐसे ही ट्रेन करने वाले हैं।
और इस प्लांट को हम कुछ अलग तरीके से ट्रेन करेंगे, यानी उसको इस एरियल रूट पे ले आए हैं। तो एरियल रूट से भी मैंने कुछ पौधे बनाए हैं, तो इसमें से एक होने वाला है ये। और यहाँ भी कुछ अनवांटेड ब्रांचे हैं जो कि निकालने वाले हैं हम। तो यहाँ क्या है देखिए, अनवांटेड यहाँ एक दो ब्रांचों के बीच में से एक ब्रांच निकली है जो कि न्यू है, कोई काम की नहीं। इस तरह से यहाँ एक है और पिंच भी कर दे रहा है, जिससे कुछ लोगों को लगेगा कि ज़्यादा सोख लगेगा, पर ऐसा कुछ है नहीं। ये प्लांट इजीली सर्वाइव हो जाएगा क्योंकि इसमें जो बाईपास सर्जरी से ही मिल रहा है उसको फूड, तो वो कंटिन्यू रहेगा, तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। और नीचे वाला प्लांट ज़्यादा हेल्दी बनेगा और उसको भी जल्दी से जल्दी उसको बहुत ही बढ़िया मूवमेंट वाला प्लांट बन जाएगा वो भी, क्योंकि उसको भी ज़्यादा अब मिलने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से क्रिएशन होते रहते हैं, यहाँ कोई एरियल रूट की ज़रूरत है नहीं। एक बार वेल डेवलप हो जाने के बाद इसमें वे कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें इजीली ग्रो हो जाते हैं और एक ही सीजन में नीचे तक चले जाने तक ये ग्रो करते रहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। देखिए क्या क्या है, हमने तीन प्लांट बना लिया है, ये और ये, और कुछ अलग मिलेगा हमें आने वाले सीजन में, तो उसको ऐसे ही हम छोड़ने वाले हैं। प्लांट डेवलप होते रहेंगे। यहाँ मैं फंगिसाइड लगा दूंगा, ये पाउडर होता है जिसमें मैं पानी भर के रखता हूँ। जल्द से जल्द लगा लेना चाहिए जिससे कुछ पेनिट्रेट भी हो जाए स्टेम में। तो ये हमने अलग कर लिया है, अब उसको अगले सीजन में रिपोर्टिंग के दौरान हम उसके साथ कुछ करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, ऐसे ही बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।